नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में और उससे पहले नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी, जिससे आपको मिल सके हमारे प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन। दोस्तों, बड़ी परेशानी होती है यदि हमारी बैंक की पासबुक खो जाए या हम उसको रखे भूल जाए। हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। यदि हम ये कार्य ATM पर जाकर करें तो हमारा एक ट्रांजेक्शन गिना जाएगा, और आप जानते ही हो 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये चार्ज लगता है। कैसा हो जब आप अपने स्मार्टफोन पर अपनी बैंक की पासबुक को देख सकते हैं, और वो भी लाइव। आपका प्रत्येक ट्रांजेक्शन उसमें दिखेगा और उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। हम अपने प्ले स्टोर में सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, एम पासबुक बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मैंने पहले से इंस्टॉल करके यहाँ पर मैं इसे केवल ओपन करूँगा। आप अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज के लिए ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर देने हैं और जो आपका ऑपरेटर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक मैसेज सेंड करेगा ये एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मैसेज सेंड करने के बाद में आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर दिए गए जगह पर देना है और कंफर्म करना है। यहाँ मैंने कंफर्म कर दिया। आप 4 डिजिट के आपको एक पिन नंबर जनरेट करने हैं, कोई से भी आप जनरेट कर सकते हैं, और स्टार्ट करनी है बस पासबुक को, और यहाँ पर पिन को, और उसके बाद में आपकी पासबुक आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, अपना प्रत्येक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने मोबाइल में कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी बैंक पासबुक की डिटेल देख सकते हैं कि आपकी बैंक ब्रांच, IFC कोड, कस्टमर नाम, अकाउंट बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस जो